मॉर्निंग, वेलकम टू माय डेली न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप लोगों का इस डेली न्यू ब्लॉग पे। यार देखो, मैं कल रात को ही वहाँ से जहाँ मैं रहता था वहाँ से निकल चुका हूँ। अभी मैं पहुँच चुका हूँ कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन में पहुँच चुका हूँ। और भाई साहब, आप फिर रात को 55 मिनट पे, यानी कि आज ही देर से आप 5 मिनट पहले हो, फिर ही पहले गिना जाता है। 11:55 जाते वक्त फिर क्या है, मेरा दोबारा हावड़ा से लेकर चेन्नई तक का दूसरा ट्रेन है। और भाई साहब, उसके बाद मैंने अपना काम किया जाएगा। भले यार जल्द स्टेशन में पहुंच गया, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इतना सारा। तो आज सोच रहा हूँ कि यार सियालदह का कुछ थोड़ा एक सिनेमेटिक शॉट या कुछ ऐसा बनाऊँ क्या, चलो बना देता हूँ। जब यहाँ पर है ना, जब मैं क्या इसका सिनेमेटिक शॉट ले रहा था, लेते लेते क्या बोला इन्होंने पता है, 20 रुपये मांगा। भाई साहब गलती नहीं करें, ठीक है, फोटो खींचा तो 20 रुपये मांगने लग गया। 20 रुपये बोल रहे ना। लेकिन ये गाड़ी है ना बहुत पुरानी टाइप की गाड़ी, हैंडमेड गाड़ी है, मतलब हाथ से लेकर चलना पड़ती है गाड़ी। ओके, लेकिन ये गाड़ी आप देख सकते हो इस टाइप का दिखा दिया पहले आप लोगों को, बहुत पहले दिखा दो बाबा। अरे बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बोलते हैं बहुत बड़ा आदमी बनेगा, फोटो भैया लेके जा रहा था, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। आप बड़े आदमी बन जाएंगे, वायरल हो जाएंगे आप। वायरल हो जाएंगे ना, सब लोग आपको जानेंगे है ना। भाई अभी रास्ता में जब सियालदह में थोड़ा बहुत इनका सिनेमेटिक शॉट बनाया था, तो भाई साहब यहाँ भाई आए इनका भी, आपका तो वो है ना बंगाली, मेरा बंगाली फूड चैनल है इनका, बंगाली फूड का क्या चैनल है मतलब। मेरा नाम से ये विशाल सरकार ब्लॉग्स लिखेंगे, आप लोग आ जाएंगे, बंगाली स्ट्रीट फूड देखना है, रेस्टोरेंट फूड देखना है, सब आपको उधर मिल जाएगा। देखो भाई ये भी मिल गया, मैं भी मिल गया, हम सेम टाइप के सेम वो है, अच्छा लगता है ऐसे ब्लॉगर मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता। मैंने जब इन्होंने वो किया कि जैसे ब्लॉग कर लिया, मतलब शूट कर रहे थे यहाँ पर, मैं मेरे को देखा भाई यार आपका चैनल क्या है, ऐसे ऐसे बताने लग गया, तो थैंक यू भाई। कोई बात नहीं, आप जा रहे हो क्या अभी? हाँ मैं जा रहा हूँ अभी, जस्ट मैं कहाँ पर एक टाइम लैप्स ले रहा हूँ, पता है टाइम लैप्स लेने का जगह भी यहाँ पर कई जगह नहीं मर रखा था मैंने, यहाँ पर इस जगह पर रखे अपना क्या था थोड़ा टाइम से। देखो तो भाई मैं यहाँ पर क्या रहा हूँ, आप लोगों को वादा किया था ना, यहाँ पर मैं एक सियालदह का एक सिनेमेटिक पूरा अच्छी तरह से हर जगह में घूम के लेने की कोशिश करूँगा। वो वीडियो जाओ तो नहीं देखा तो जाओ पहले देखो वो वीडियो, मैं पहले वो वीडियो डालूँगा उसके बाद ये ब्लॉग बाद में आएगी। ओके, तो भाई साहब वो वीडियो में काफ़ी सारा प्यार दे देना। छोटू सा छोटू सा है लेकिन यहाँ पर बंदा कितना ज़्यादा निकलते पता है, एक पतली सी एक गलियाँ है और इस गलियाँ से बहुत सारे लाखों लोग निकलते एक दिन में, क्योंकि अभी यहाँ ये देखो ये जो रास्ता है, इस रास्ता से होती हुई कहाँ जाएगा, सियालदह स्टेशन यहीं पर नज़दीक ही है यहीं पे। तो ये देखो इस तरह का काफ़ी अच्छी तरह से रोड बनाया, लेकिन छोटा है, यहाँ पर एकदम क्लोज मार्केट, एकदम ज़्यादा मार्केट है। भाई अभी यहाँ पर थोड़ा देर में आया हूँ, थोड़ा बहुत काम मोबाइल में ना थोड़ा बहुत क्या ख़राब था कि इसका बैक कवर और स्क्रीन गार्ड थोड़ा बहुत टूटा हुआ था, तो वो चेंज कर लेते हैं पहले तो यार। लिटरली अगर मैं बताऊँ ना, मेरा कवर ये हाल हो रहा है, जो हाल देख रहे हो ना यहाँ पर क्या हाल हो रही थी, पूरा फट के ख़त्म हो रही थी। देखो यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा हाल, इतना पीला हो गया, पीला पीला हो गया। भूख लगा था, खाओ एप्पल ऐसे। अभी हावड़ा के पीछे हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, तो भाई आधा के जी ले लिया, आधा के जी एप्पल काफ़ी सस्ता है कोलकाता में, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 100 रुपये के 1 केजी मिलेगा, तो आधा के जी ले लिया था आपने, लिया आधा के जी में 4 पीस आएगी। तो भाई शुरू करें, जंग पूछे जाते यही खाओ यार, है यहाँ खाने का मन करता है, क्या करें, खाओ एप्पल खाओ अच्छा रहेगा। तो भाई वो आप लोगों को खाना दिखाने लगा था मैंने, तो भाई अभी क्या हुआ, लगभग कम से कम 2 मिनट तो हो गया, अगर मैंने इधर थोड़ा बहुत सिनेमेटिक शॉट के लिए बैठा था, अब तकरीबन काम क्लियर हो, अब मैं निकलता हूँ। और एक भाई ब्लॉगर मिल गया, थैंक यू यार, कभी कभी ऐसा जब ब्लॉगिंग करते हैं ना, अपने ब्लॉगिंग के साथ साथ दूसरों दोस्त मिलते हैं तो खुशी हो जाती है यार, वो भी खुश हुआ था भाई यार, सेम उसका उनका यार, मेरा जितना सब्सक्राइबर फैमिली है उसका भी उतना ही है, मेरा भी उतना ही है लगभग, थोड़ा मेरे से थोड़ा 100-200 ज़्यादा है, लेकिन भले उतना बराबर ही है। लिटरली गाइस अभी रात के बज गए 12 बजने समथिंग, कुछ ही टाइम है, मैं जा रहा हूँ हावड़ा चेन्नई,
और इसी ट्रेन में निकल रहा हूँ और इसी ट्रेन का सफ़र। अब तो मैं क्या करता हूँ, आज तक हेम्पर ख़त्म कर देता हूँ ना, कहाँ तक शूट किया मैंने ना, वहाँ सेलदा से सीधा यहाँ पर शूट कर लिया हूँ भाई साहब, इसीलिए काफ़ी मेरे वो हो गया है ना। तो दिन में काफ़ी इमरजेंसी आया, मतलब इमरजेंसी नहीं कहने का मतलब ज़रूरी काम था, इसी ज़रूरी काम की वजह से मैंने क्या पूरा शूट नहीं कर पाया। तो फिर सीधा शाम के रात के जब जब निकल रहा हूँ तब भैया, ऐसा ऐसा होना चाहिए ज़िंदगी भी, तभी बिजीएस्ट ज़िंदगी होगा ना, तभी थोड़ा इतना ज़्यादा बिजी भी नहीं होना चाहिए जितना किसी से ना मिले, अपना किसी को टाइम ना दें ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ टाइम देना चाहिए लेकिन लेकिन भाई साहब ख्याल भी रखना चाहिए। ओके तो लेट्स गो, अभी मैं इसी ट्रेन में जाने वाला हूँ चेन्नई के लिए। तो अभी रात के 11:55 पे यहाँ से सवारी होगी। ओके रात को 12 बज गए यार, लोग है ना पूरा टना टन हो रही है, देखो ना पूरा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, पूरा हर जगह बंदा भरी है। भले ये क्या है, हावड़ा है इंडिया का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी ये यहाँ भी क्यों नहीं हो जाए, हर रोज़ पता नहीं कितने लाख लोग यहाँ से गुजरते हैं। तो भाई देखो इतना सारा रात के अभी 11:55 जा चुका है, मैं अभी इस टाइम का 55 में एग्जैक्ट टाइम में ट्रेन चलने वाला, लेकिन अभी तक चल नहीं रहे, मैं पहुंच भी नहीं रहा हूँ, मैं तो पहुंचने वाला हूँ। ये S5 है ना, S4 में है मेरा, स्लीपर क्लास में है, क्या करे बैठे यार सोने के लिए। 72 1 2 72। ओके लेट्स गो भाई। यार एक NJP में कितना प्यारा सा था यार डॉगी यार, वो बहुत ऊकिया था, यहाँ क्या नहीं ओली छोड़ दे आ गए सूरज जी का जैसी हो। गाइस जी इंडिया में भी है ना इस टाइप का फीचर्स आना लग गया, क्या बात है। मैं विजयवाड़ा में पहुंच गया, विजयवाड़ा में जैसे आया सारी ट्रेन का डिटेल्स देख रही है, देखो ये कौन सा ट्रेन इस तरफ जाने वाला, इस तरफ उस तरफ जाने वाला, उस तरफ है ना गाड़ी नंबर दे रही है, ये पूरा कितना अच्छा देखा दे रहा है ना अभी है ना, ये वाला सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा। अभी विजयवाड़ा में पहुँच गया और जो कुछ खाने वाला बंदा खा रहे कुछ कर रहे, ट्रेन यहाँ पर होल्ड हो रही है, मैं अब यहाँ बैठ रहा हूँ थोड़ा आगे देखता हूँ कुछ खाने का मिल जाए तो खा लेता हूँ, नहीं तो मैंने खाना को मतलब खा लिया जो ट्रेन में आता है ना वो वाला खाना खा लिया। फाइनली पहुँच गया चेन्नई सेंट्रल में, अभी सुबह का 3:20 आ चुका है और सही टाइम में पहुँचा दिया, मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगी लेकिन टाइम में पहुँचा दिया, मैं भी हो गया। चलो अब आज के बाद थोड़ा बहुत अपने जॉब में थोड़ा कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा, तो वीडियो में कंसिस्टेंसी नहीं होगा रेगुलर। ओके तो रेगुलर नहीं हुआ फिर भी आप लोगों को है ना मैं कुछ ना कुछ तरीका से थोड़ा बहुत आप लोगों का वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स गो आगे तक दिखा देंगे उसके बाद, चलो चलते हैं पहले तो थोड़ा बहुत पहुँचते हैं। 3 बज के देखो पूरा चेन्नई सेंट्रल में लोग बाहर कैसे सो रहे, पूरा लोग ओ माई गॉड।